हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन यानी दोलन का पार्ट सेकंड। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने आपको कराई थी, ठीक है। फिर उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको समझाया था कि प्रिडिक्ट मोशन किसे कहते हैं, आवर्ती गति किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक फिक्स टाइम बाद कोई चीज पुनरावर्ती करे, रिपीट करे उस मोशन को, ऐसे मोशन को प्रिडिक्ट मोशन कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं। भैया टू एंड फ्रो मोशन, कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, माध्य स्थिति से कोई बॉडी इधर से उधर जाए, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति। फिर मैंने आपको समझाया था, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल लिया था। फिर मैंने कहा था कि सभी प्रिडिक्ट मोशन ऑसिलेटर मोशन नहीं होते, यानी सभी आवर्ती गति दोलन गति नहीं होती है, जबकि सभी दोलन गति आवर्त गति होती है, यानी ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर प्रिडिक्ट मोशन। ये क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया था ऑसिलेटरी इक्वेशन। फिर मैंने आपको ऑसिलेटरी इक्वेशन में बताया था कि एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर एन। फिर मैंने आपसे कहा था कि भैया एन आपका ऑड नंबर होगा, इसका रीजन भी मैंने आपको दिया था क्यों ऐसा है, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया था कि एक्स जो है वो हमेशा और हमेशा मीन पोजीशन से आप मापेंगे, मतलब मीन पोजीशन से लेंगे, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये आज भी यूज होगी। कल भी मैंने आपको समझाया था कि जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ये हमेशा मीन पोजीशन से होगा, ठीक है। और ये फोर्स और एक्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, फोर्स हमेशा मीन पोजिशन की तरफ लगेगा और एक्स हमेशा मीन पोजिशन। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको समझाया था ये आपका मीन पोजिशन है एक्स बराबर जीरो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बता रहा हूँ। फिर मैंने आपको बताया था ये x बराबर माइनस ए है और ये बराबर x बराबर प्लस ए है, ठीक है। अब देखो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजिशन से या तो इधर होगा या इधर होगा, अगर इधर होगा तो फोर्स इधर लगेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा x तो फोर्स इधर लगेगा, मतलब हमेशा मीन पोजिशन की तरफ लगेगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दो करोगे, यही आपकी ये हो जाएगा माइनस के kx, यही आपकी SHM की इक्वेशन है, यही आपकी SHM की इक्वेशन है। आप n की जगह 3 पुट कर सकते हो, 5 पुट कर सकते हो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस के एक्स क्यूब माइनस के एक्स की पावर 5, बट ये SHM की इक्वेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ SHM की इक्वेशन कौन सी है, ये मैं आपको बताया था, इसे सिंपल ऑसिलेटरी इक्वेशन भी बोलते हैं, सिंपल ऑसिलेटरी इक्वेशन, सरल दोलन समीकरण, इसी को हम SHM कहते हैं, SHM की इक्वेशन है। इतनी बात है, क्लियर है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। फिर इसके बाद जो मैंने आपको समझाया था वो ये था, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी SHM में, यानी सरल आवर्त गति में विस्थापन का समीकरण मैंने आपको बताया था कि कोई पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पर है, कहाँ है भैया, यहाँ मीन पोजीशन पर है, x बराबर जीरो पर x बराबर व्हाट प्लस a, x बराबर माइनस a। मैंने आपको बताया था a क्या है, एम्पलीट्यूड, यानी अगर मीन पोजिशन से जो पार्टिकल ने कड़ने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, अत्यधिक विस्थापन कवर किया है, उसे हम एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। इतनी बातें क्लियर थी। मैंने आपको बताया था अगर आप मीन पोजीशन से चलेंगे तो आपका जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसकी इक्वेशन मैंने आपको समझाई थी, एक्स बराबर ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इक्वेशन थी जब आपका पार्टिकल कहां से चलेगा, मीन पोजिशन से। अगर पार्टिकल इधर चलेगा प्लस की तरफ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स बराबर प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर की तरफ चलेगा माइनस ए, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ये बात क्लियर है। फिर मैंने आपको समझाया था कि भैया अगर आप मीन, अगर आप एक्सट्रीम पॉइंट से चलोगे, ये मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति है, इसे मैंने आपको बताया था, इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम कौन सा भैया, स्टेबल है यानी साम्य स्थिति है, ठीक है। तो ये देखो ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, अगर आप एक्सट्रीम पॉइंट से, ये माइनस है ये प्लस है, अगर आप एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पोजीशन की तरफ चलते हो, तब आपके लिए इक्वेशन क्या थी डिस्प्लेसमेंट की, वो थी a cos ओमेगा t, ये मैंने आपको समझाया था। अगर आप इधर से चलोगे, इधर से इधर की तरफ, तो आपको बताया था x बराबर माइनस a cos ओमेगा t, अगर आप इधर से इधर की तरफ चलोगे तो आपको बताया था प्लस a cos ओमेगा t। इतनी बातें क्लियर थी, ठीक है। फिर मैंने आपको सवाल भी कराए थे कि भैया टाइम बताओ जब कोई पार्टिकल x बराबर जीरो से x बराबर a by 2 चले, यानी 0 से a by 2, यानी मान चलो इधर चले, तो उस पार्टिकल को इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। तो कल था आपका डिस्प्लेसमेंट की बात,
आज जो मैं स्टार्ट करूंगा, आज मैं आपको वीडियो के अंदर कल के सेक्शन के बाद की चीजें स्टार्ट करूंगा, आज मैं आपको कंप्लीट वीडियो के अंदर वेलोसिटी इन SHM बताऊंगा, एक्सेलरेशन इन SHM बताऊंगा, यानी वेग क्या होगा सरल आवर्त गति में, और एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होगा, एनर्जी आपको समझाऊंगा, ग्राफ समझाऊंगा, ठीक है। और एयरफोर्स के जो क्वेश्चन बन चुके हैं इस सेक्शन में से, जो पूछे जा चुके हैं पहले, वो चीज अभी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। करना क्या है, बार बार मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि प्लीज साथ के साथ जरूर नोट्स बनाएं, ताकि चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे SHM यानी ऑसिलेशन यानी दोलन का पार्ट सेकंड, और लेक्चर नंबर होगा आपका 44। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, और उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा वेलोसिटी इन SHM यानी सरल आवर्त गति में वेग, ठीक है। तो वेलोसिटी इन SHM सरल आवर्त गति में वेग, कल मैं आपको हिंदी पढ़ा चुका था कि ये SHM को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इतना तो आप अब याद रखना, ठीक है, चीजें लिख लेना, सरल आवर्त गति में वेग। देखो, कल मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई कण यहां है, यानी मतलब मीन पोजीशन पर, यानी कहां x बराबर 0 का मतलब क्या है, मीन पोजीशन पर, माध्य स्थिति पर, और ये क्या हो गया था, x बराबर प्लस का a, भैया ये क्या है, x बराबर माइनस का a, इतनी बातें क्लियर है। तो मैं आपको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को पेंडुलम के माध्यम से समझाता हूं। अभी मैंने आपको सिंपल पेंडुलम नहीं पढ़ाया है, सरल लोलक नहीं पढ़ाया है, उसका एक अलग से टॉपिक है, इसी चैप्टर में वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को या इसके आगे वाली चीजों को और बेहतर करने के लिए हम सिंपल पेंडुलम के माध्यम से समझते हैं। मैंने कल आपको बताया था सिंपल पेंडुलम होता क्या है, बस इतना फील कर लो, कोई धागा है उससे बॉल या कोई पार्टिकल लटका दो और वो इस तरीके से मोशन करे, सिंपल, वो सिंपल पेंडुलम है, ऐसा फील कर लो। तो देखो, ये एक धागा है, ठीक है, और भैया ये बॉल है कोई, जिसको मैं पार्टिकल बोल रहा हूं, ये बॉल यहां से ऊपर यहां पहुंची, ठीक है, फिर मोशन करके नीचे लौट के आई, फिर ऊपर पहुंच गई, क्लियर। तो ये जो बॉल यहां रुकी हुई है, ये जो पार्टिकल रुका हुआ है, ये किसमें है, मीन पोजीशन में, भैया क्या है, माध्य स्थिति में। ये जो पॉइंट है भैया, ये क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट, उच्चतम स्थिति है, एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम पोजिशन बोल दो, एक्सट्रीम पोजिशन, ये भी भैया क्या है, एक्सट्रीम पोजिशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है, उच्चतम स्थिति है, ठीक है, ये क्या भैया, मीन पोजीशन। तो अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, विस्थापन की फॉर्म में आपको बताऊं, तो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, इधर की तरफ x क्या हो जाएगा, माइनस का a, और इधर की तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का a, इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं आपसे वेलोसिटी की बात करूं, किसकी बात करूं, वेग की बात करूं, तो देखो वेग जो है, आप सोचो यहां बॉल है, यहां एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉल है, और यहां से बॉल मैंने छोड़ दी, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, भैया शुरुआत में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, छोड़ दी, वेलोसिटी बढ़ी, इस पॉइंट पर आके क्या हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम यानी कांस्टेंट हो जाएगी, इसके बाद घटी, और एंड पर जाके यहां क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये मैं आपको एक आपको चीजें क्लियर कर रहा हूं, फॉर्मूले से हम ये चीजें समझ सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप समझो, यहां बॉल है, यहां बॉल रुकी हुई है, यहां से मैं ड्रॉप कर रहा हूं, तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेग कितना होगा, 0, अब बढ़ती आ रही है, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसके बाद ये देखो, फिर घटती आ रही है, और इस पॉइंट पर जाके क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी, इतनी बात है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है SHM में, वो फॉर्मूला होता है v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, x यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, कई बुक में इसको y से दे रखा है, किससे दे रखा है, y से, लेकिन मैं पहले से x मान के चला हूं, इसलिए मैं x ले रहा हूं, तो डोंट बी कंफ्यूज, बुक में ये y भी दे रखा है, किसी में x दे रखा है, वो अपने ऊपर है, मैंने इसको x लेके चला था पहले, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भैया, अब सबसे बड़ी बात समझने की कोशिश करो, ये वेलोसिटी किसकी है,
ये किसकी वेलोसिटी है भैया? ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। ये जो बॉल है ना, ये जिसको मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है भैया, ये इसकी वेलोसिटी है। यानी ये जो वी है वो किसकी है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कण का वेग है, किसका वेग है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी कण का वेग है भैया। किसका वेग है? कण का वेग है। ये जो बॉल ऊपर नीचे जा रही है इसका वेग है। अगर मैं आपको समझाऊं यहां कि SSM क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति क्या होता है? क्या सरल आवर्त गति वेव होती है, तरंग होती है क्या सरल आवर्ति? नहीं, SSM भैया वेव नहीं होती। SSM वेव नहीं होती, तो समझ लो मेरी बात कि SSM वेव नहीं होती। कई बार हमारे दिमाग में ये रहता है कि इसका जो ग्राफ है वो यू बनता है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है भैया वेव जैसा ग्राफ है, तो SSM एक वेव है। तो भैया SSM वेव नहीं है, SSM है क्या? SSM जो है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, जैसे कभी पार्टिकल यहां से यहां गया, यहां गया फिर यहां गया, यहां से यहां आया फिर यहां आया फिर यहां आया फिर यहां आया, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो कण का विस्थापन हो रहा है वो है SHM। तो SHM इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कण का विस्थापन है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे देखो ग्राफ में अगर आपको बनाऊं, बना के दूं, समझना, जैसे ये कोई पार्टिकल है, ये मीन पोजिशन पर है, ये भैया मीन पोजिशन है एक्स बराबर जीरो, और ये समझो एक्स बराबर प्लस का है, और ये क्या नीचे एक्स बराबर माइनस का है। मीन पोजिशन से पार्टिकल भैया इतना चला, समझना ध्यान से, ए बाई थ्री बाई फोर कुछ डिस्टेंस ऊपर चला, फिर मीन पोजिशन पर लौट के आ गया, फिर नीचे चला, फिर मीन पोजिशन पर लौट के आ गया, फिर ऊपर पहुंचा, फिर मीन पोजिशन पर लौट के आ गया, इस तरीके से, फिर वो नीचे आ गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सेम आपको कैसा ग्राफ दिखता है? सेम आपको वेव की तरह ग्राफ दिखता है। तो ग्राफ तो भैया किसी का भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ग्राफ तो किसी का भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? क्या है? पार्टिकल का ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक। तो सीधी सी बात समझ लेना, SHM क्या होता है? SHM भैया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, SHM वेव नहीं है, SHM तरंग नहीं है। ये बात आपको मैं वेव पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से समझाऊंगा आपको अच्छे से, लेकिन ये बात अब क्लियर हो गई होगी, SHM वेव नहीं है भैया। SHM क्या है? SHM पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। ग्राफ तो आप किसी का भी ड्रॉ कर सकते हो। तो याद रखना जो वेलोसिटी है वो किसका है? वो पार्टिकल का वेलोसिटी है। ये जो बॉल को मैं ऊपर नीचे लेके जा रहा हूं ना, ये जो बॉल है यही पार्टिकल माना है मैंने, तो इस बॉल की वेलोसिटी है ये। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये छोटी चीज ध्यान रखना आप। अब इसके बाद देखो भाई, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला, अगर ये वाला फॉर्मूला मैं अब फॉर्मूले से आपको निकालना चाहूं कि एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन यानी माध्य स्थिति पर, भैया किस पर? माध्य स्थिति पर, हिंदी वाले माध्य स्थिति पर, ठीक है। तो माध्य स्थिति पर भैया मीन एक्स क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो एक्स की भैया वैल्यू जीरो पुट करना, तो क्या आ जाएगा? रूट में हटाओगे तो क्या आ जाएगा? वी बराबर ए ओमेगा, वी बराबर ए ओमेगा। और ये कैसी वैल्यू है? वेलोसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। कैसी वेलोसिटी होगी? मैक्सिमम, अधिकतम मान होगा। अब आ भैया एट एक्सट्रीम पॉइंट, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा? एक्स आपका क्या है? माइनस और प्लस ए। एक्स बराबर माइनस प्लस माइनस ए। तो आप देखो एक्स की जगह प्लस माइनस ए पुट कर दो। प्लस माइनस क्या बता रहा है? सिर्फ डायरेक्शन, मैं तो मैग्नीट्यूड लेना है। तो एक्स की जगह ए पुट कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, तो भैया पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। तो देखो आप खुद देख सकते हो एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है? जीरो। और एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है? जीरो। इतनी बात है क्लियर है? इतनी बात है क्लियर है? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपके थे किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। रफ करूं भाई, देखो अब तक तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन इन SHM, एक्सेलरेशन इन SHM यानी सरल आवर्त गति में त्वरण, सरल आवर्त गति में त्वरण। अब देखो ये एक्सेलरेशन किसका होगा? पार्टिकल का होगा। किसका एक्सेलरेशन होगा? इस बॉल का, इस पार्टिकल का होगा। ध्यान से मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इन SHM का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। SHM में भैया ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मैंने यहां एक्स क्या माना है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट।
कंडीशन क्या है, मैंने हमेशा आपको बताया कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर किया जाएगा, कहां से, मीन पोजीशन से। तो एक्स भैया कहां से मेजर किया जाएगा, मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, माध्य स्थिति से लिया जाएगा भैया, क्लियर है। अब एक छोटी सी चीज देखो आप कि जो एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर है, एक्स है, तो माइनस कैसे है, ये माइनस का मतलब क्या है, इस चीज को आप समझो। तो देखो भाई आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कल, एफ बराबर माइनस के एक्स, मैंने आपको स्प्रिंग वाले लॉजिक में भी समझाया था, फिर मैंने आपको बताया था ये एसएचएम की इक्वेशन है, एफ बराबर माइनस के एक्स, इतनी बात है, क्लियर है। अब देखो ये क्या होता है, के कॉन्स्टेंट होता है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। अब देखो यहां फोर्स और एक्स, तो जैसे डायरेक्शन में फोर्स होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एफ। यानी आप देखो ये बॉल है, बॉल अगर ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर की तरफ, लेकिन फोर्स कहां लगेगा, हमेशा टूवर्ड्स कहां, सेंटर मतलब मीन पोजीशन की तरफ। हर बॉडी की क्या टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा सेंटर की तरफ आना चाहती है, मीन पोजीशन की तरफ आना चाहती है, माध्य स्थिति की तरफ आना चाहती है। मतलब ये हुआ भाई कि मैंने आपको समझाया था कि याद करो कल का लेक्चर, कि फोर्स हमेशा और हमेशा किधर लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से मापेंगे, और हमेशा फोर्स किधर लगेगा, टुवार्ड्स मीन पोजीशन। तो फोर्स हमेशा किधर लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ। अगर ये बॉल, ये पार्टिकल इधर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर करेगा, तो भैया फोर्स किधर लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ। तो आप देख रहे हैं एक्स उधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो माइनस साइन ये बता रहा है, तो भैया जो डायरेक्शन फोर्स की होगी भैया वही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेलरेशन की। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए। तो देखो भैया जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेलरेशन की। तो इसका मतलब ये हुआ हो गया कि एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, ए एक्सेलरेशन यानी त्वरण, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। मतलब अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन भैया किधर लगेगा, इधर। अगर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, तो भैया एक्सेलरेशन भी किधर लगेगा, इधर लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ। इतनी बात है, क्लियर है। तो पहली बात मैं लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, त्वरण और विस्थापन एक्ट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में लगेंगे, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में लगेंगे, त्वरण और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में लगेंगे। इतनी बात है, क्लियर है, इतनी बात है, क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट देखो, ध्यान से मेरी बात समझना बेटा। ये देखो ये बॉल है कोई, ये कोई बॉल है, ठीक है, ऐसे समझो ये मार्कर है, और इस मार्कर को मैं ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूं, ड्रॉप कर दिया। यानी इस बॉल को मैंने ऊपर से नीचे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। तो इस टाइम जब छोड़ा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना है भैया, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, प्लस का जी। एक्सेलरेशन कितना है जी, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं जिसकी यहां जरूरत है। मतलब वेलोसिटी कितना है, जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो ऐसा मेरे भाई जरूरी नहीं होता है कि अगर वेलोसिटी जीरो है, त्वरण जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। आप खुद देख लो, ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में एग्जांपल हैं, ऐसे बहुत सारे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि अगर आप बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप करोगे तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी यानी वेग कितना होगा, जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, प्लस जी के बराबर। मतलब ये हुआ, मैं यहां ये समझाना चाहता हूं कि यहां देखो, यहां जो वेलोसिटी जीरो है ऊपर, तो यहां एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, यहां एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम। क्या होगा एक्सेलरेशन, यहां मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। सेम यहां एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। यहां वेलोसिटी मैक्सिमम है और यहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, त्वरण क्या होगा, जीरो। अगर ये बात से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं, दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस के एक्स। ध्यान से समझना, ये बेटा मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। तो भैया देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो फोर्स भी कितना हो जाएगा भैया, यहां जीरो। तो मीन पोजीशन पर भैया फोर्स कितना होगा, हमेशा बल कितना होगा भैया, जीरो। इतनी बात क्लियर है, नेट फोर्स कितना होगा मीन पोजीशन पर, हमेशा जीरो। और मेरे भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम ए। तो भैया अगर फोर्स जीरो होगा, देखो मास तो कभी, द्रव्यमान तो कभी जीरो नहीं हो सकता, ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेरी बात समझ में आ रही है, तो सिंपल यहां से आप ये भी समझ सकते हो, इस मेथड से, एनालिटिकल मेथड से भी आप ये चीज समझ सकते हो।
और आप बेसिकली भी ये कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। तो ध्यान रखना, हम कई बार मिस्टेक करते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है अरे वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेग मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। आप देख सकते हैं खुद, वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन जीरो है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात है क्लियर है? अब मैं आपको इसके मेथड से भी समझा देता हूं। देखो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम। यहां से देखो, ये मैं रफ कर दूं, देखो मीन पोजीशन पर, एट मीन पोजीशन माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति पर भैया डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। एक्स कितना है? जीरो। तो एक्स जीरो पुट कर दो तो एसलेशन क्या आ जाएगा? जीरो। आप कॉमन ऐसे भी समझ सकते हो, एसलेशन क्या आ जाएगा? जीरो। और एसलेशन जीरो आने का मतलब क्या? फोर्स का जीरो होना, बल का जीरो होना। अब यहां देखो, एट एक्सट्रीम पॉइंट उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम स्थिति पर। देखो भैया यहां एक्स कितना है? एक जगह माइनस ए है और एक जगह क्या है? एक्स बराबर प्लस ए। जब माइनस ए पुट करोगे यहां, एक्स की जगह माइनस ए पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि भैया एसलेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन पर निर्भर करेगी। तो देखो भैया एक्स क्या है? माइनस ए, यहां पुट कर दो माइनस ए, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो भैया ए क्या आ जाएगा? प्लस का ओमेगा स्क्वायर ए। इतनी बात क्लियर है? जब एक्स भैया प्लस ए होगा, ये प्लस होगा ए, तो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। तो एसलेशन क्या आ जाएगा भैया? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। यानी ये बात निकल के आई कि अगर x माइनस ए है तो इधर a कितना हो जाएगा? ये a हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। प्लस क्या बता रहा है भैया? डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? डायरेक्शन के बारे में। इतनी बात है क्लियर है? यहां देखो एसलेशन आपका यहां, यहां पर x की वैल्यू कितनी है? प्लस का ए, तो एसलेशन कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस क्या बता रहा है भैया? डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात है क्लियर है? ठीक है, ये आपके एसलेशन के कॉन्सेप्ट थे। अगर आप चाहो तो भैया ये फॉर्मूला कहां से आया था मैं वो भी बता दूंगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझना है तो समझ सकते हो। फॉर्मूला कहां से आया? थोड़ा सा डेरिवेशन है वो देख लो। देखो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए बेटा। ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एम। ठीक है, और SHM में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था माइनस के एक्स अपॉन एम, माइनस के एक्स अपॉन एम। अब देखो एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एम मास है जो कि कांस्टेंट रहेगा, के क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, बल नेतांक है या स्प्रिंग नेतांक है। भैया ये टर्म क्या दिख रही है आपको? पूरी की पूरी कॉन्स्टेंट दिख रही है। मैंने आप अगर देखें माइनस के एम के सॉरी के अपॉन एम जो वो क्या दिख रहा है? पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट। तो भैया इसको फिजिक्स में के अपॉन एम ये कॉन्स्टेंट है, इसी को एक और कॉन्स्टेंट से अज्यूम कर लिया गया, लेट कर लिया गया, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ये पूरी टर्म क्या है? कांस्टेंट। तो भैया यहां इसको कांस्टेंट हो क्या बराबर मान लिया ओमेगा स्क्वायर, तो आप इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करना तो क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये इस तरीके से आया है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो, ये जो ओमेगा स्क्वायर है कांस्टेंट टर्म मान लिया, बहुत जगह मान लेते हैं फिजिक्स में, कहीं के कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ओमेगा स्क्वायर को क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका एसलेशन से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज, एक क्वेश्चन है, एक रिलेशन है, वो उस पर बात करता हूं। रफ कर दूं भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या यूं बोलो, एक रिलेशन है, रिलेशन, रिलेशन ऑफ मैक्सिमम एसलरेशन, एसलरेशन यानी अधिकतम त्वरण, एसलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी यानी अत्यधिक त्वरण तथा अत्यधिक वेग का संबंध क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो भैया मैक्सिमम एक्सेलरेशन का अभी फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? ओमेगा स्क्वायर ए, जहां मैंने एक्स बराबर क्या माना था? माइनस ए, और एक्स बराबर क्या माना था? प्लस ए। माइनस प्लस क्या बताती है? डायरेक्शन। ठीक है, यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ए मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए। अब देखो वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो जाएगा? मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? ए ओमेगा। कितना बताया था? ए ओमेगा। ठीक है, यहां नहीं लिखा है, अभी मैंने आपको बताया था ये कितना आएगा? ए ओमेगा। ठीक है, अब सिंपल है, इनको डिवाइड कर दो यार। डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा से ओमेगा गया, ए से ए गया, बचा क्या? ओमेगा। यानी ए मैक्सिमम अपॉन वी मैक्सिमम
इसका रेशियो क्या निकल के आ गया, ओमेगा वाई वन, ये आ गया, ये आपका रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, तो याद रखना जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, अत्यधिक वेग है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, इसका जो रेशियो होता है वो ओमेगा बाई वन होता है। अगर इसको आप उल्टा कर दोगे, ऐसे निकलवाए कि वी मैक्सिमम अपॉन ए मैक्सिमम क्या होगा, तो कंफ्यूज नहीं, मतलब मिस्टेक मत कर देना, इसका रिवर्स हो जाएगा, वन अपॉन ओमेगा। इतनी बात है, क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? इसको मैं रफ कर देता हूं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट हम कर चुके थे कल, वेलोसिटी हो गया हमारा, बेग हो गया, और एक्सेलरेशन हो गया एसएचएम में। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो है एनर्जी इन एसएचएम, सरल आवर्त गति में ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी इन एसएचएम लिख लेना भाई हिंदी, सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में ऊर्जा, सरल आवर्त गति में ऊर्जा। एनर्जी मैं आपको बताऊंगा कि जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मीन पोजीशन पर, माध्य स्थिति पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगी। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थित ऊर्जा क्या होगी। टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी से बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा एक्सट्रीम पॉइंट पर और मीन पोजीशन पर क्या होगी। और मैं आपको ग्राफ भी बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको एक यहां फिगर बनाया था सिंपल पेंडुलम का, उसको मैं दोबारा बना रहा हूं। देखो ये अभी मैंने जो फिगर आपको समझाया कंप्लीटली कि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, यहां x बराबर माइनस है, यहां x बराबर प्लस है, यहां मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, दैट इज ए ओमेगा, यहां पर वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पर जीरो, और यहां एक्सेलरेशन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यहां माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और एक्सेलरेशन यहां पे क्या होता है, जीरो, यानी मीन पोजीशन पर नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। देखो पूरा जो एसएचएम है ना, जितना भी ये एनर्जी वेलोसिटी ये सब कुछ है, आप इस एक फिगर से मैं अभी जब आपको खत्म कराऊंगा ना, जैसे एनर्जी का एंड पॉइंट कराऊंगा, तब मैं आपको एक पूरा ग्राफ से समझाऊंगा। एक ग्राफ आप याद रखोगे प्रैक्टिस करके, मतलब चीजें क्लियर है, विद इन 3 to 4 मिनट्स आप ये पूरा रिवाइज कर दोगे एसएचएम, इतना अब तक मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो देखते रहो। काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? काइनेटिक एनर्जी का भैया सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसकी निकाल रहे हैं? इस पार्टिकल की। ठीक है, तो पार्टिकल वेलोसिटी भी किसकी निकालेंगे? पार्टिकल की। तो भैया जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, वो क्या अभी पढ़ाई थी मैंने? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको मैंने पढ़ाई थी। तो क्या करो, सिंपल यहां वैल्यू को पुट कर दो वी की जगह। तो देखो मेरे भाई, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भैया एक काइनेटिक एनर्जी आ गई उस पार्टिकल की, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कॉमनली अगर आप समझो कि यहां एक्सट्रीम पॉइंट पर, उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी कितना है, जीरो, बेग जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा, जीरो। ऐसे भी हम नॉर्मल समझ सकते हैं, यहां भी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन मेरे भाई देखो, यहां जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, तो यहां भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मीन पोजीशन पर वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा? मैक्सिमम। ठीक है, अब यहां निकाल लेते हैं। देखो हम मीन पोजीशन पर बात करते हैं, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन यानी माध्य स्थिति पर। माध्य स्थिति पर भैया क्या आपका एक्स जीरो है, एक्स जीरो है, माध्य स्थिति पर एक्स क्या है, जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ये क्या बचेगा आपका, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि आपकी कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम। तो भैया यहां आपकी जो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहां वैल्यू पुट कर दो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इतनी बात है, क्लियर? अब देखो इस पॉइंट पर, यहां एक्सट्रीम पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन या एट एक्सट्रीम पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर देखो भैया x क्या है, प्लस माइनस a, प्लस माइनस a डायरेक्शन ले रहे हैं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, x की जगह a पुट कर दो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो, और भैया पूरा टर्म क्या बन गया, जीरो। ठीक है, तो भैया यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या निकल के आ गई, जीरो।
तो एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? जीरो। ये था सिंपल, ठीक है। तो ये भाई काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड था, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आ रही है चीजें, इसको नोट कर लो। इसके बाद अब आपको मैं पढ़ाने वाला हूं पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा चीजें जानने वाली है, सीखने वाली है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को देख लेते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी इन SHM, पोटेंशियल एनर्जी इन SHM यानी इस सरल आवर्त गति में स्थित ऊर्जा। तो सरल आवर्त गति में स्थित ऊर्जा, स्थित जो ऊर्जा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इसको हम किससे दर्शा देते हैं पोटेंशियल एनर्जी को? यू से, ठीक है। देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा कि जो ऑलरेडी मैं तुम्हें पहले, जैसे आपको मैंने फ्रिक्शन में भी पढ़ा चुका हूं, मैं आपको वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा चुका हूं चीजें, ठीक है। वो चीजें, कुछ चीजें मैं आपको रिपीट करूंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी कुछ चीजें मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड समझाई थी, लेकिन स्टेप बाय आपको सिखाऊंगा। तो कॉमनली आप समझ लो जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की, अभी के लिए वो कितनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखो भाई, ये पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, सरक लोलक। ये पेंडुलम ऐसे भैया ऊपर जा रही है, तो आप देखो ये अर्थ की सरफेस है। तो देखो ये कुछ हाइट पर है, एच हाइट पर, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, ठीक है। और यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम, यानी यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो, ठीक है। वैसे पोटेंशियल एनर्जी नाम की टर्म फिजिक्स में नहीं होती है, एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी नाम की टर्म फिजिक्स में नहीं होती है, बहुत बार ही मैं बात तुम्हें समझा चुका हूं। पोटेंशियल एनर्जी नाम की टर्म फिजिक्स में नहीं होती, क्या होती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बहुत बार मैं तुम्हें बता चुका हूं। फिर एक ऐसे एग्जांपल आपको मैं बताया हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की चीज फिजिक्स में नहीं होती, क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर, ठीक है। अभी इस पर मैं बात करूंगा आपसे, अभी के लिए इतना समझ लो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। और यहां भैया कुछ हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। कितना होगी वो मैं भी बताता हूं आपको, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी? मैक्सिमम। अब देखो यहां सिंपल सा केस है, एट मीन पोजिशन, एट मीन पोजिशन, माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति पर भैया x क्या हो जाएगा? जीरो। x जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आ जाएगी? पूरी जीरो। तो u कितना आ जाएगा? जीरो। इतनी बात क्लियर है? तो यहां भैया मीन पोजिशन पर, मीन पोजिशन पर u कितना निकल के आ गया? जीरो। क्लियर। अब देखो हम बात करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट पर, एट एक्सट्रीम पॉइंट, एट एक्सट्रीम पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर x कितना है आपका? प्लस माइनस a है, प्लस माइनस a है, तो यहां पुट कर दो प्लस माइनस a, तो कितना निकल के आ जाएगा? u बराबर आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड ले लो आप, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी यहां पर, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, यहां देखो, यहां जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी मीन पोजिशन पर थी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पर हो गई। मतलब भाई ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी यहां से किस में कन्वर्ट हो गई है? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है। अब फिर यहां से जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी में, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो पूरा पोटेंशियल यहां से काइनेटिक में वो कन्वर्ट हो गया है, और काइनेटिक का काइनेटिक पूरा पोटेंशियल में, या यू समझ लो यहां से पोटेंशियल पूरा काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया है, और काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में, स्थित ऊर्जा। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? अब कुछ समझने वाले पॉइंट समझो। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? बताओ, कमेंट करके बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, यानी संरक्षी है असंरक्षी है? तो मैं आपको बहुत टाइम बताया हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्वेटिव है। क्या है? कंजर्वेटिव है, ठीक है, यानी संरक्षी है। संरक्षी मैंने आपको बताया था, ये भैया हमेशा इनिशियल यानी प्रारंभिक
और इनिशियल, सॉरी इनिशियल प्रारंभिक और फाइनल पॉइंट, मतलब अंतिम बिंदु, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ये निर्भर करती है, ये रास्ते पर निर्भर नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, उसे हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स हो गई, सॉरी कंजर्वेटिव हो गई, संरक्षी हो गई। आपने नाम सुना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको मैं पढ़ा चुका हूं, पीछे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्व स्थित ऊर्जा। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा दूसरा दूसरा मैंने पढ़ाया है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग स्थित ऊर्जा। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो खींचते तो वर्क करते हैं, तो जो हमारा वर्क है वो किसमें स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो देखो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सब क्या है भैया, कंजर्वेटिव है। क्या है? कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशन कैसा है? कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण कैसा? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग भी कंजर्वेटिव है। लेकिन क्या आपने ऐसा सुना है फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी? भैया अगर सुना हो तो बताओ, फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, घर्षण स्थित ऊर्जा कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। ये भैया पाथ पर डिपेंड करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भैया नॉन कंजर्वेटिव नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, कंजर्वेटिव ही होती है। इतनी बात क्लियर है? क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव होती है। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करो, मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी थ्योरम, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम पढ़ाई थी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, कार्य शक्ति और ऊर्जा, जहां मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बताया था और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बताया था। मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर। और भैया मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या बताया था, कि भैया ये बताया था आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, यानी हाफ, ये आ जाएगा आपका एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। ये कैसा लग रहा था? नेगेटिव। या साइन कैसा आता था? नेगेटिव। मैंने आपको बताया था ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कंजर्वेटिव के लिए है, लेकिन ये वाली जो है काइनेटिक एनर्जी वाली जो फॉर्म में है, ये हमेशा सबके लिए वैलिड है, कंजर्वेटिव के लिए, संरक्षी के लिए और नॉन कंजर्वेटिव के लिए, भैया ये दोनों के लिए वैलिड है। इसलिए वर्क पावर एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए ही वैलिड है। तो बात समझ में आ रही है? तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्वेटिव ही होती है। इतनी बात है। और अब समझ लो आप फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। देखो सोचो किसके बराबर है, डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ लो ये एमजीएच टू माइनस क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी के नाम के टर्म फिजिक्स में नहीं होती, वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात है, क्लियर है। अब एक दो पॉइंट और आप समझने की कोशिश करो। अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था पोटेंशियल एनर्जी का, वो फॉर्मूला क्या था, वो था भैया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना, क्या ये फॉर्मूला, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, क्या ये फॉर्मूला हमेशा सही होगा? भैया ये फॉर्मूला हमेशा सही नहीं होगा। सर आपने क्यों पढ़ाया फिर हमें? देखो मैं आपको बताता हूं, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये सिंपल पेंडुलम है और अब के लिए अर्थ सरफेस पर है, इस तरीके से टच करके जा रहा है इसको, ठीक है, यहां पहुंची ये बॉल और ये बॉल यहां पहुंची, ठीक है, यहां हाइट हो गई जीरो, ऐसे समझ लो हाइट है, ये हाइट, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं कि अब ये जो सिंपल पेंडुलम है वो पृथ्वी से इतना ऊपर है, यानी ये इस तरीके से, अब इस तरीके से मोशन कर रही है, ठीक है, इतना ऊपर है, तो अब आप बताओ क्या ये मीन पोजीशन पर, माध्य स्थिति पर हाइट जीरो होगी? यहां तो मीन पोजीशन पर हाइट जीरो है, मीन पोजीशन पर, लेकिन क्या यहां होगी? तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा? भैया ये स्पेशल केस है, सिर्फ और सिर्फ इस केस में ही वैलिड होगा, जब आपकी सिंपल पेंडुलम या पार्टिकल अर्थ की सरफेस से टकरा के जा रहा होगा, ये स्पेशल केस है। एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जो वैलिड होता है हमेशा के लिए, वो होता है यू जीरो प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। भैया ये फॉर्मूला हमेशा और हमेशा के लिए वैलिड होता है, यू जीरो प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यानी अब यहां देखो, इस वाले केस की हम बात कर रहे थे अपने सिलेबस में, तो देखो हाइट इससे टकरा के जा रहा है, तो यहां पर भैया पोटेंशियल एनर्जी, हाइट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो इस केस में यहां पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान लेते हैं, तब जाके हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन किसी अगर हम हाइट की बात करें तो भैया मीन पोजीशन पर अब तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और भैया जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है जो हमेशा सही होता है वो फॉर्मूला ये होता है यू जीरो प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप जो पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में ये स्पेशल केस है, ये तब के लिए वैलिड है जब वो पृथ्वी की सरफेस से सतह से टकरा के जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला हमेशा के लिए वैलिड होगा। चीजें क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स आपके पोटेंशियल एनर्जी से रिगार्डिंग थे, ठीक है? तो मैं इसको भाई रफ कर दूं। अब मैं आपको एक ग्राफ समझाना चाहता हूं, ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ठीक है? तो अभी मैंने जो आपके सामने जो सिंपल पेंडुलम के कुछ पॉइंट लिखे थे वो मैं दोबारा लिख देता हूं। देखो ये आपको अब तक मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार देख लो। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, यहां x बराबर माइनस है, यहां x बराबर प्लस है, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहां वेलोसिटी जीरो एक्सट्रीम पॉइंट पर। अगर वेलोसिटी यहां मैक्सिमम होगी एक्सेलेरेशन यहां जीरो होगा, यहां एक्सेलेरेशन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर या माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? ये आ जाएगा आपका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? यहां देखो अगर आपकी वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, यहां आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, कितना? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? जीरो एक्सट्रीम पॉइंट पर, ठीक है? अब देखो यहां कुछ हाइट पर की हम बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है? और यहां भैया इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। इतनी बात क्लियर है? आप सीधा सीधा क्या देख रहे हो कि आपका पूरा पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक में, और काइनेटिक किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं आपको कुछ ग्राफ की बात करना चाहता हूं, ठीक है? पहले हम ग्राफ की बात करेंगे, किसी का उठा लो, काइनेटिक एनर्जी का ले लेते हैं ना। तो ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, इन एसएचएम सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा का ग्राफ। देखो भाई, ठीक है, ये आप एक्स एक्सिस ले लो और ये वाली वाई एक्सिस है। तो ये आपकी मीन पोजीशन है, तो एक्स बराबर जीरो, ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है एक्स बराबर माइनस ए, और ये आपका भैया एक्सट्रीम पॉइंट एक्स बराबर प्लस ए। अब आप बताओ, मैं काइनेटिक एनर्जी ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है? मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी वो है मैक्सिमम। क्या है? मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी भैया यहां क्या है? मैक्सिमम। लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। तो भैया यहां काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। और भैया यहां भी काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। इतनी बातें क्लियर है? तो अब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? तो देखो, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। यानी मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। मान लो यहां कहीं काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है? मैक्सिमम है, और वो कितनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब इसका सिंपल सा ग्राफ आप देख लो कैसे बनेगा। आप ग्राफ देख लो, इस तरीके का ग्राफ, यानी ग्राफ कैसा है? पैराबोला, यानी पैराबोलिक ग्राफ है, दैट इज परवलयकार। तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी में जो एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें भाई? आई थिंक यू गॉट इट, और बहुत आसान भी है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का इसी में बना देता हूं मैं, ठीक है? इसी में साथ के साथ बना देता हूं पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम है। चाहे अलग बना दें, एक काम करते हैं यहां बना लेते हैं, ठीक है? एक काम कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, तब इसमें जगह नहीं है। एक काम कर लेते हैं, इसको यहां बना लेते हैं। ये आपका मीन पोजीशन है एक्स बराबर जीरो, ठीक है? ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है और ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है। ये भैया आपका जो ग्राफ है वो किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का है। किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। इतनी बात है क्लियर है? अब देखो आपका जो मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है भैया? जीरो। तो यहां भैया पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जीरो। तो लेवल यही रहे, ठीक है? यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एक्सट्रीम पॉइंट पर, तो भैया यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। क्या है? मैक्सिमम। यहां भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पर। वैल्यू कितनी है उसकी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इतनी बात है क्लियर है? तो अब ग्राफ कैसे बनेगा भैया? मैक्सिमम है कहीं ना कहीं, मतलब समझना मेरी बात, मैक्सिमम है, यहां कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, मैक्सिमम है ऐसे समझ लो। और ये भैया मिनिमम है, जीरो है। देखो ग्राफ कैसे आएगा, मेरी बात समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ
बनेगा। अब यही अभी मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का क्या ग्राफ बनाया था, मैं यही बना देता हूं। तो यहां काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी आपकी, काइनेटिक एनर्जी यहां क्या थी आपकी, मैक्सिमम। और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या थी, मिनिमम जीरो। और यहां की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो। तो ग्राफ देख लो, इस केस में मैक्सिमम थी तो यहां मैक्सिमम पॉइंट मान लो, ये बिल्कुल मिनिमम था। तो अब खुद समझ लो ये किसका ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है भैया, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। आई थिंक यू गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है चीजें। अब आप देखो, ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो है आपका टोटल एनर्जी, यानी काइनेटिक प्लस काइनेटिक को और पोटेंशियल को ऐड कर दो, गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा, इसे हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। इसको रफ कर दूं मैं, अच्छे से समझ आया भाई, इसको रफ कर दूं मैं। चलो यही एक चीज देख लो पहले, आप टोटल एनर्जी यही देख लो एक बार, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन SHM, इन SHM, टोटल एनर्जी इन SHM, सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा, जैसे हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है मेरे भाई, क्या होती है टोटल एनर्जी को, मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्थित ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा, ये आपका क्या होता है, टोटल एनर्जी। अब जरा इस पॉइंट पर देखो आप, एक्सट्रीम पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या निकल के आएगा, मैं ई से डिनोट कर रहा हूं इसको, है ना, तो ई बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, तो कितना आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बताओ भाई, क्लियर। अच्छा मीन पोजिशन पर टोटल एनर्जी क्या निकल के आ जाएगा, अब काइनेटिक हो गया मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, सेम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्लियर। अब इस केस में देखो एक्सट्रीम पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या निकल के आ जाएगी, अब यहां काइनेटिक जीरो होगा, पोटेंशियल मैक्सिमम, तो यहां क्या आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप तीनों पॉइंट को जज करो एक बार, एक्सट्रीम पॉइंट, मिनिमम मीन पोजिशन और एक्सट्रीम पॉइंट, क्या टोटल एनर्जी चेंज हो रही है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है। मतलब भाई सीधा सीधा क्या हो गया कि टोटल एनर्जी हमेशा हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट पर मीन पोजिशन पर क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, क्या रहती है, कॉन्स्टेंट। तो भैया मैं लिख देता हूं कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एट मीन पोजिशन एंड एक्सट्रीम पोजिशन, लिख दूं भाई, तो लिख देता हूं, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज हमेशा और हमेशा क्या रहेगी, नेतांक रहेगी, कॉन्स्टेंट माने नेतांक, हिंदी वाले समझ लो, कुल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी, नेतांक रहेगी, एट मीन पोजिशन, एट मीन पोजिशन, एट मीन पोजिशन माध्य स्थिति पर, एंड एंड एक्सट्रीम पोजिशन उच्चतम स्थिति पर, एक्सट्रीम पोजिशन, और उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्लियर है। तो अगर आप यहां से ग्राफ नोट ड्रॉ करना चाहो इसका, तो देखो ये और ये पॉइंट आप देखो, आप ज्वाइन कर दो, ये क्या आ गया भैया, टोटल एनर्जी, और आपको साफ साफ दिख रही होगी भैया क्या है ये, हर जगह क्या है भैया, ये कॉन्स्टेंट है। तो ये जो ग्राफ आप बना है वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी तीनों का ग्राफ है भैया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हैं टोटल एनर्जी से रिलेटेड। अभी अभी टोटल एनर्जी फिनिश नहीं हुआ है, अभी मैं आपको समझाऊंगा और पॉइंट। तो टोटल एनर्जी आपको क्या दिख रहा है, कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको जो समझाने वाला हूं वो पॉइंट है कि टोटल एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करती है और किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो मैं ये इसको रफ कर देता हूं, देखो हमें पता है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आया मेरा भाई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। आप जरा देखो, क्या मैं ओमेगा की वैल्यू को 2π/T लिख सकता हूं मेरे भाई, लिख सकता हूं 2π/T। देखो मास तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, हाफ कॉन्स्टेंट है भैया, एम्पलीट्यूड ये तो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, इसको तो हम जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाओगे एम्पलीट्यूड चेंज होता जाएगा। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं, समझ में आया ना ये भाई, देखो एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अत्यधिक विस्थापन क्या था, एम्पलीट्यूड यानी आयाम था, इसको तो आप चेंज कर सकते हो, जितना ज्यादा दूरी कर दोगे उतना ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो ये चीज तो चेंज हो जाएगी। तो आप सिंपल सा समझो
अगर मैं यहाँ 2π/T² रख दूं तो 2π क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट, m कांस्टेंट। तो आप सीधा सीधा देखो टोटल एनर्जी किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, एक तो a पर डिपेंड कर रहा है और एक किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड t पर डिपेंड कर रहा है, आवर्तकाल पर। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बन सकता है एयरफोर्स में, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो टोटल एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रहा है, तो टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, किस पर भैया, आवर्तकाल पर निर्भर करेगा, आवर्तकाल तथा एंड एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर करेगा, यानी आयाम। दो बात क्लियर, किस किस पर निर्भर करेगा भैया, टाइम पीरियड पर निर्भर करेगा, ठीक है, और किस पर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा, लेकिन किस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मेरे भाई आप देखो, क्या आपको फॉर्मूले के अंदर कहीं भी डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, क्या फॉर्मूले के अंदर कहीं भी आपको डिस्प्लेसमेंट वर्ड दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है, नहीं। तो मैं क्या लिखने वाला हूं कि टोटल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात भैया, डिस्प्लेसमेंट को क्या मान रहा हूं मैं, एक्स, किताबों में वाई दे रखा होता है, बार बार मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो भैया देखो, डिस्प्लेसमेंट पर ये डिपेंड नहीं करता। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है, देखो इस बात का मतलब ये है, ये आपकी पेंडुलम, ठीक है, ये मोशन कर रही है, ठीक है। अब देखो ये आपका यहां एक्स बराबर माइनस है, ये आपका मीन पोजीशन और एक्स बराबर प्लस है, क्लियर। अब आपका जो पार्टिकल है वो यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट चला है, कितना, मान के चलो एक्स बराबर चला हमारा ए बाई टू, या इधर एक्स बराबर माइनस ए बाई टू और इधर चला हमारा एक्स बराबर प्लस ए बाई टू। तो मेरे भाई हर जगह टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, हर जगह टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। आप देखो हर जगह टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। बस टोटल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी मेरे भाई, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी। अगर आप ये डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो टोटल एनर्जी और बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या। तो आप कितना भी डिस्प्लेसमेंट चले हो, ए बाई थ्री चले हो, ए बाई फोर चले हो, तो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आप फॉर्मूले के अंदर देखो, कहीं भी फॉर्मूले के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट एक्स दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट कितना भी चले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर जगह आपका जो टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा, हर जगह क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो, अब मैं आपको एक कहते हैं ना सारणी, हिंदी में सारणी बोलते हैं, तो वो आपको लिखाने वाला हूं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, अदरवाइज आपको चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, फिर उसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं आपको आसान तरीके से उसको समझा दूंगा। या ध्यान रखना, रिवीजन करो उस टाइम, जब आप रिवीजन करो, आज पढ़ रहे हो कल अगर आप रिवीजन करते हो, ये वाला इस तरीके से आप याद करना, बहुत कम समय में चीजें याद कर लोगे, लर्न कर लोगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हर चीज का आपको बार बार चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, 5-7 बार पेंडुलम बनाना, अपने आप 5-7 बार चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। ये चीज मैं आप रफ कर दूं, अब देखो कुछ रिलेशन है, ठीक है, कुछ रिलेशन आप देख लो, वो बहुत जरूरी है, अगर आप न याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसमें एक लंबी प्रोसेस है, क्वेश्चन अगर आएगा रिलेशन तो आपको फिर वो डिराइव करना पड़ेगा, कैसे करोगे, पेपर में छूट जाएगा। तो कुछ रिलेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट, और भाई ये पूछे भी जा चुके हैं, इस बार जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है ना, उसमें से एक रिलेशन इसमें से पूछा गया, एयरफोर्स एक्सपर्ट में यहां से क्वेश्चन पूछे गए, और जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं जैसे SSC का हो गया, रेलवे का हो गया, जिनमें फिजिक्स आता है, वहां भी इस रिलेशन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो देखो भाई, यहां मैं कुछ आपको एक सारणी बना के दे रहा हूं, पहले आप लो यहां डिस्प्लेसमेंट, क्या लो आप, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। मैं आपको यहां ये बताऊंगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका ए हो, ए बाई टू हो, ए बाई रूट टू हो, तो इस तरीके से आपस में रिलेशन क्या होगा एनर्जी का, ठीक है। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है इसकी इंपोर्टेंस क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, जिसको मैं क्या मान रहा था, एक्स। इतनी बात क्लियर है, तो ये आपका हो गया पहले डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा यहां पॉइंट ले लो आप, पहले डिस्प्लेसमेंट, यहां ले लो आप पहले काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, क्या ले लो, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी।
दूसरा आप ले लो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थित ऊर्जा, जिसको मैं क्या बोल रहा था, यू। और तीसरा आप ले लो भाई टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा, जिसको मैं किससे दर्शा रहा था, ई से दर्शा रहा था। इतनी बात है क्लियर है, किससे दर्शा रहा था मैं, ई से दर्शा रहा था। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट क्या है, अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो जीरो हो, मैं एक बार पेंडुलम बना देता हूं और थोड़ा सही रहेगा, ये यहां है पेंडुलम मीन पोजीशन पर। तो भैया जब मीन पोजीशन पर था पेंडुलम, एक्स जीरो होगा, तो आप बताओ यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। आपको क्या बताया था, क्योंकि यहां वेलोसिटी क्या थी, वेग क्या था, मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या हो जाएगी भैया, काइनेटिक एनर्जी भैया यहां पे हो जाएगी क्या, मैक्सिमम अधिकतम। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब एक्स बराबर जीरो यानी मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भैया, यहाँ यहाँ आपका जीरो हो जाएगी, ठीक है, हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर, जीरो। अब बताओ कुल जो ऊर्जा है टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, तो भैया टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्योंकि क्योंकि भैया पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। तो x बराबर जीरो पर हमेशा टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, जिसकी वैल्यू कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो पहला पॉइंट क्लियर है भाई, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा देखो x बराबर प्लस माइनस ए, यानी अगर आप एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाओ, यहां एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुंच जाओ, x बराबर प्लस ए x बराबर माइनस ए, तो क्या होगा, यहां पर आपकी वेलोसिटी क्या आती है, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे भैया क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी, जीरो। और इस पॉइंट पर भैया अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर थे, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या थी, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पर भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। उसकी वैल्यू कितनी थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप बताओ इस पॉइंट पर काइनेटिक तो जीरो हो गया, तो टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो ई बराबर किसके होगा, यू के। किसके बराबर होगा, यू के। इतनी बात है क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट देखो, इतना तो तुम्हें आता था, इतना तुम समझ जाओगे, लेकिन अब देखो अगर मैं यहां जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस माइनस ए बाई टू कर दूं, प्लस माइनस ए बाई टू कर दूं, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या होगा, ये हमें बताना। तो मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट आप ए बाई टू कर दो, कितना भी कर दो, क्या टोटल एनर्जी बदलेगा, मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड ही नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी कर लो। तो भैया ये हमेशा कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इतनी बात है क्लियर है। अब देखो यानी जो अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस टाइम भैया काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी 3E/4, यानी E क्या है यहाँ पे, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का 3/4 टाइम्स, ये याद रखना ये रिलेशन। और भैया यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, E/4, कितना हो जाएगा, E/4। E यहाँ पे क्या है, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना, जब आपका x प्लस माइनस ए बाई टू होगा तब तब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी होगी, और E/4 होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बातें क्लियर है। तीन चौथा केस देखो, जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो प्लस माइनस ए बाई रूट टू, कितना हो, प्लस माइनस ए बाई रूट टू, तब आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तब आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी E/2, कितनी होगी, E/2, यानी टोटल एनर्जी का आधा। सेम आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, E/2, लेकिन यहां पर आपकी कुल ऊर्जा क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई क्या होगा भैया, आपका कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हैं, बताओ कमेंट करके बताओ इतनी बातें क्लियर हैं, कोई डाउट यहां तक, ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट और आप समझ लो, लास्ट पॉइंट और आपके लिए, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो प्लस माइनस ए रूट 3/2, ऐसे समझ लो ए रूट 3/2 इतना हो, ए रूट 3/2, तब आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तब आपका भैया काइनेटिक एनर्जी होगा, आई थिंक काइनेटिक एनर्जी होगा तब आपका E/4, कितना होगा, E/4, ठीक है। और
और आपका भैया पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 3E/4। और यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो, तो आपके ई कितना रहेगा, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। ये आप रिलेशन ध्यान रखना, पहला पॉइंट आपके लिए। दूसरा और तीसरा, ये तो आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कुल ऊर्जा पर, टोटल एनर्जी पर, ये रिलेशन आपको याद रखना। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, सिंपल पेंडुलम पर बात करेंगे, ठीक है, सरल लोलक क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम कल सीखेंगे, ठीक है भाई। अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ो, इस बार सिलेक्शन होना चाहिए। देखो बार बार मैं बताता हूँ, जो नेवी डबल ए का पेपर है वो हर किसी से नहीं हो पाता, हर कोई उसको सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि नेवी के जो एग्जाम की जो डिमांड है वो थोड़ा अच्छी फिजिक्स आती है उसके अंदर, अच्छी फिजिक्स का लेवल रहता है। तो कोशिश यही रखो कि नेवी डबल ए में फोड़ना है कोशिश, अगर देखो नेवी डबल ए की अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो एयरफोर्स कहीं नहीं टकता, एयरफोर्स का जो फिजिक्स का लेवल है वो थोड़ा ईजी है। तो यहां जो फिजिक्स में तो मैं करा रहा हूं, एनडीए डबल ए एयरफोर्स लेवल तीनों लेवल पर हो रही है, तो अगर आप डबल ए के पैटर्न को फॉलो करें, पूरा डबल ए का पैटर्न है, एक सिंगल क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बस करना क्या, आपको मेहनत करनी है, दिन रात आपको रिवीजन करना है, मेहनत करनी है, लगे रहना है, ठीक है भाई। तो लगातार बनी रही है, कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं जा रही चीजें, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें चीजें क्लियर ना हो रही हो। अपनी तरफ से मैं अपना 100% दे रहा हूं, बस तुम्हें क्या, तुम्हें अब 100% देने की जरूरत है, कोई डाउट है आप कमेंट करिए, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।